हेलो जी, राम राम जी सारा ने। आज मैं खेत में आ गई हूँ, कुत्ता गया लाग रहा था, इतनी करनी डर गई थी मैं। और पहला भाई सारे सब्सक्राइब कर लियो, फ्री में मत देखा करो, छो उठा आज दा उठा टाट वालों की खेत में आ रही हूँ। या मोन ना ले रही से गुटी कंडे बोंगड़ मारो गड़ किए के मत तोड़ लिए। तो भाई नाटक बनाना आ रहे थे, मैं चल थोड़ा व्लॉग भी शूट कर लिया सा। गी उबू रे सा हे बाजी आई हूँ, तू पाछे छोड़े सांस चढ़ गए मेरे। आए कुआ भी है अड़े ते मेरा है कि और किसी की परसम मना चला गई थी खड़ी होके रील बनाई थी, फिर के परसम पाए क लाग गई रोटी ना खा करी कालजा लकड़ा है कुतर कुतर। ये देखिए अड़के सोदा है, देखिए अड़क देखो ओदी है या पानी की कोई निकम्मी आ जा। ये कुआ उड़े वो देख तेलु की साक्ष है और अल्लाह मां को दे पड़ जा उड़े आराम ताज देख बोतल घेर रखी परी मत डर लागे भी। देखो बेबी यो कुआ सा बहुत साल का है, मेरे ख्याल है खुद का है, 150-200 साल पुराना तो पावेगा बेबी कुआ लिया पटका मन और घेर दे गया कि देख पुराना कुआ, ये मेरा ससुरा बताओ था यो कदे मेरे दादा से रेट के आगे का 150-200 साल पुराना कुआ है यो साल बाज ले तेरा ससुरे ने कदे नहीं पोमे सुन दी करती। ये बेबे आड़ा तो चौथ में भी जूता भर गया ए ये बेबे अच्छी ले आई है मोना सब कह गई हूँ देखे सुतरे जामरे छोटे छोटे हैं पर एक ही है क्या पापा मत धरिए चल यो अड़े कोठड़ा सा यो टूटा पड़ा है या इनकी बरसम आए दाती तो लेकर ना आई फिर राख मार रखी है बढ़िया। बताओ भाई देखी कौन तेरी जठानी मार के धारी के सही रहा भाई बरसम में बढ़िया खात की जो लागा राख अम्बी गेर का करा परीब के नाम ने गेहूं बो रखे हैं बरसम जई बोई थी वह जामी को दोबारा बा का फिर गेहूं बोए हैं। ये डर जा कूद तलन दे ही पक है अड़ू भी उड़ जाओगी कितन की तह साग भी भरे हो के ले भी ब्याज फरी का साग तो ले जाएंगी कि गल लाई के मैं तो लाभ उठाऊं लाभ आनी के साथ ए बजाए बजाए लाई भूख लागे के मैं खवा तो देनु कथी मोड़ी माड़ी बुरी कड़ा बुरी है ले पढ़ के देख खा के दिखाऊं तो मैं ले बे और नरी दूर मतलब सारे गांव तो बाहर आ रहे देखो मंदिर भी कितनी दूर रह गया कि ता गया पा कड़ा मंदिर रह गया मंदिर की दिखा वो दिखा चोटी लाल झंडे वाला कड़ा दिखा आगी पागी मूली पागी डोले तक ती है शहर चलती आने भी डर लागे इन पैक तो पाड़ के दिखाए एक मूली बाकी सीख लकड़ेंगे पाड़ी है के देख अरे ये पागी मूली हट जा मतलब पाड़न दे मेरा पटाया पर समय देख की सीख पाओगी करम मैं पतली पतली है पहले मुंह जलनी तो ना है मिट्टी है ये पाड़ देने भी नहीं चलने पड़ेंगे आज कोड़ का मतलब कती ये बच्ची सी है ये देख लेना कमी मोटी ना देख सकती न्यू के इनके ऊपर तो दिखा ये देख पत्ते टूट रहे ले याद होगी तो ना भी रेड डंसर की दे देख देख किसी लकड़ी कर मैं दी से देखा अरे दोन का भी कौन है कुछ ले तू नहीं खा जाना रेत रहा तो नहीं खाते रहा अगर बालक दूर सदा रेत के खा कर करावा है दो तो जाए ना किता पूछ ले यार न्यू है भूखी मूर्ति ने मूली ये पाई मूली खाई ना तने खेत में ए ले मन तने कुड़ते पूछ ली के बुंडा हो गेल न कमी हो गा गाल मा के जाना है और के पाड़े गी बे नु देख ए मुंह जड़ा है नु छोल लू पला फिर तू नु किनु के बड़क मारे पहली बार खावे है कि तू ए देख देख कपाड़ ली चाहिए मूली देख ली ना इन पहचान है ये चप्पल तो के अड़ फैंसी स्लीपर पैर का आवे थी गणी बना बोला चुपचाप आ जा हाथ में ठा लिए गाल मग जब बेरा लगेगी ना मैं नहीं तू बनाना तो न बनाना पड़ेगा मैं ताजी सी वो नाटक बना कही मैं तो आकल गोबर गाबर पाथा और मैं थक गई मेरा तो बनाने का जी नहीं करता तू बना ले देखो ये प्रियां सुन देख लो भाई की तो लहर रही है ये भाई उड़ा बाहर रखा था लक्सू ये लड़की भाई इनकी देखो बांधे रखे थोड़े डीजे पर बगानते होंगे ये उड़े तो चुग कर ले आया है अरे दखा कर पी ले रहा है दखा ये बेटा
क्या तो के देखो भाई मेरे बेटा दे कितने रुपये हम छोटे थे हम भी लाया करते भाई चूक का हम भी लाया करते तू भी लाया करता के गुड़चड़ी गड़चड़ी बाढ़ थे जो तो सब लिया करो बाढ़ तो धर लू बेटा बटवे में मैंने धर लेंदे ये नहीं बेटा ये तो तड़का और लिया ये ना के इोगा तो तेना सब देखेंगे डर लेंदे आज आज ले लेंदे ये मैंने तड़का तेना दूसरा दे दूंगी एक रुपया तने इसने मजन आले दे दूंगी गणे लत गण तली एक बार ले तो उठ मना कर ले भाई इका पापा इका मार देगा यो रो गाड़ खमखा कड़ा मचा दे यार पाए तलांगे बकल खंडान लग रहा खड़ा खड़ा खावे आज मैं तो थक रही मेरा तो उठने का जी ना करता थक रही है अपना फिर बेड रेस्ट ले मैं के बीमार सु थक रही सु आराम करूंगी बेड रेस्ट क्यों लेऊंगी थकी थकी आई थी तू और के लक्षिता देखे ही बेटा डांस मैं तभी जान भी नहीं पाई कि गुरु जी तो करा था ना तो ना रही थी थक भी रही थी कल देखूंगी पापा पगल और मन ना मत दे मैं भूखी सु मैंने के मन देखा है नु कसी ना मत दे देख क्या टाइम हो रहा साढ़े नौ हो गए साढ़े नौ हो रहे हैं रुपये गणा है तेरे पापा ने दे देख थोड़ी जरा आ जाएंगी लिया ना मैं ना धर लूंगी ना तो बटे वे में तुम खो दोगे मेरी क्लास में सबके पास कंप्यूटर है और वो कंप्यूटर के विषय तो कहूंगी देखिए नीचे क्या करण लग रहा है ये क्यों खंडान लग रहा नीचे ये तड़के मैंने सुहा को ना पाए नीचे फूटेंगे आज रोटी खुद खा ले आज मेरे और तड़के टी शर्ट ना बदल ले नु सोचेंगे ना तीन पकोटा कोने के और मन दे दे तो किए नहीं तो दर्द दे दे तो किए थला दर लू मैं देखा किसे सुतरे देखे सुतरे गा लिए थला पर यहाँ सुन सो जाई क्या खाए तू ये देखो मूंगफली खाने बुरा दिन रोटी मत खाइए तू खावा मूंगफली कल भी भूखा है सो गया खाका मूंगफली ने बोला मैंने तो भूखा कोनी भैया आज मैंने एक क्लिप देखी उर्वी व्लॉग्स की और भाई उन्होंने बहुत बढ़िया बात कह रखी है हमारे देश में ये दहेज प्रथा की है जो कि परंपरा ये चली आ रही है लोगों ने जो बना रखी है कुछ रईस लोगों ने तो यह खत्म हो जाए तो और भी बढ़िया है भैया आदमी गरीब हो अपनी औकात ज्यादा ही दे कोई भी अपनी बेटी ने अपनी औकात ज्यादा ही देवा है पर ये है जो कि लोगों ने इमोशनल करके मतलब जो कुछ लिया जा है या बिल्कुल गलत बात भी गरीब हो है आदमी ने मतलब इस तरीके तो जाए कि गरीब हो जाए कि भाई बारात नहीं आओगी तेरे घर नू नहीं होगा तो इस तरीके का गल आदमी मतलब इतने चारों तरफ तक गिर जा हवा दहेज के ऊपर भाई ये मतलब रोक लगाई देनी चाहिए मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई और सबसे बढ़िया बात तो भाई उस लड़की ने जो ये करेटा गाड़ी का चल रहा है ये एक बहुत बढ़िया काम करा है कि उसने रिकॉर्डिंग कर ली करेटा तो केवल न मेरे ख्याल था चेतक स्कूटर भी नहीं मिलेगी कि तो स्कूटर भी छोड़ साइकिल भी मिलने तो रही बेचारे ने और बदनामी होगी वाह न्यारी होगी भाई तो यो गलत है भाई दहेज प्रथा खत्म कर देनी चाहिए अपनी खुशी तो अपनी बेटी ने कोई कुछ भी दे लेकिन मांगना गलत बात हो है कोई भी माँ बाप हो अपनी इज्जत सबको अच्छी लागे भाई अपनी माँ बाप कोई भी है अपनी बेटी ने ब्याह है जब अपनी औकात फालतू ये करे है अपनी हैसियत तो फालतू ये देवे है तो भाई उर्वी ने इस पर वीडियो बना रखी मैं कहूँ भाई हरेक व्लॉगर ने इस पर बनानी चाहिए आवाज़ उठानी चाहिए और बहुत बढ़िया काम कराया उसने बेबे ने और भाई मैं तो उन्होंने कहूँ हरेक व्लॉगर ने जरूर बनानी चाहिए तो भाई उनकी भी क्लिप जरूर देखो कितनी अच्छी बात कह रखी है उन्होंने इसके ऊपर देशभरता के ऊपर शान शान करा है किस बात का कि जुनू इनकी छोरी ने तो कोई ब्याह ही कौन था जितना त्याग जितनी श्रद्धा फौजी अपनी देश के प्रति रखा है इस वजह से सारा देश उन्हें सल्यूट करा है उतने ही श्रद्धा प्रतिष्ठा उतना ही त्याग एक उनकी घरवाली ने करना पड़ा है देखो पति पत्नी का रिश्ता किसी भी फील्ड में कोई फौजी हो या कोई सिविल जॉब हो या कोई भी हो पति पत्नी का रिश्ता अहम होता है दोनों में मर्यादा
होती है कुछ कि मतलब उनका पालन करे, एक दूसरे के प्रति इज्जत करे। लेकिन क्या होता है कि मतलब आजकल क्या, पहले भी टाइम में होता था लेकिन आजकल खुल के सामने आ रहा है किस्सा। इस बात ने मैं इसलिए उठा रही हूँ कि भाई मैं भी एक ऑफिसर की वाइफ हूँ और एक देश में अपने हरियाणा में एक किसी घटना घटित हुई है जिसका किसी ने मतलब किसी भी हरियाणवी ब्लॉगर ने, किसी भी यूट्यूबर ने, जो कि एक फीमेल वर्जन में हम जिसको बोल दें कि मतलब उसने इस चीज के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई अपनी राय नहीं दी। पब्लिक इन्फ्लुएंसर होने के नाते ये बात उठाने का हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें इन मुद्दों को उठाना चाहिए। ब्लॉगर है, हमें जो लेडीज देखती हैं उनकी प्रेरणा बनना है हमें। ये नहीं है कि बस हम अपनी डेली लाइफ, कुछ ना कुछ तो हमें कुछ खास बात होनी चाहिए ना कि हम दूसरों की प्रेरणा बने। मतलब उसकी माँ ने भी भाई अपने बेटे की नौकरी पर घमंड ना, रिकॉर्डिंग होती बस ब्याह चली जाती, तो ब्याह पाछे कितनी कितनी ऐसी हमारे देश में बहन है अपनी, कितनी इतनी बाण है कि मतलब जो इस चीज का सामना हर रोज करती हैं। अगर उनके बाप की इतनी गुंजाइश नहीं है देने की दहेज, तो वो कितनी सारी औरतें हैं, कितनी सारी अपनी बाण बेटी हैं जो हर दिन मरे हैं पल पल जी घुट घुट कर, क्योंकि वे उनके माँ बाप ने दहेज को दिया था, तो माँ बाप ने सोचा था नहीं मारी सारी उम्र छोरी सुखी रहेगी बड़े अफसर का ब्याह दी, तो वह छोरी वो सुख भोगे नहीं पाती। तो मैं उन माँ बापा ने कहूँ कि आप व्यक्तित्व तो देखो ना कि अमीरी देखो। जीवन यापन के लिए धन की जरूरत होती है, भगवान ने चाहे तो भी कमाई करके दोनों मर्द वीरद अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में तो पैसे की बात नहीं आती। रेयर चांस होता है कि भाई पैसा मायने रखता है लेकिन कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाता है, वो बात नहीं होती कि मतलब इज्जत पैसे से बने, ये बात नहीं होती। उन्होंने कहा कि इज्जत समाज में हमारी कम होगी, धन जिनका नहीं होता, जो गरीब हो उनकी तो कि इज्जत को नहीं होती, उनकी इज्जत को नहीं।